यो 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 आ चुके हैं एक बार फिर से, मतलब कि पूरे 20 दिनों के बाद वापस से नए वीडियो के लिए। अब ये मत बोलना कमेंट में कि ये क्या कर रहे थे 20 दिन तक, क्या हुआ था, किसका कंटेंट चोरी कर रहे थे। तो भाई आज लग चुका है मेरे हाथ में एक बहुत ही बड़ा शस्त्र अस्त्र, जो भी बोलो आप, मतलब कि आज हम अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर खेलने वाले हैं GTA ऑनलाइन। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि हम GTA ऑनलाइन अपने मोबाइल पर खेलने वाले हैं। एक ऐसा गेम जो कि सारा का सारा मल्टीप्लेयर मजा देगा हमको हमारे फोन पर। जैसे कि आपको पता है कि मैं GTA सीरीज बहुत ही ज्यादा खेलता हूँ, वहाँ पर मैं चोरी वगैरह करता हूँ, बैंक लूटता हूँ, पुलिस को पीटता हूँ, ऐसे ही चलते फिरते लोगों को मार देता हूँ। तो वही सारा मजा एक नई स्टोरी के साथ आपको देने के लिए आ चुका हूँ मैं। बाबा, ये रहा हमारा बंदा जिसका नामकरण मैंने कर दिया है। इसका नाम रखा है हमने टिंकू बदमाश। हाँ, आपको पता होगा कि ये वाला नाम बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो आ चुके हैं हम अंदर की तरफ और ये एक बिजनेस करने की जगह है जहाँ पर कि हमें कास्टिला से बात करनी थी, जो कि हमने कर ली है और उसने हमें एक काम भी दे दिया है। तो अभी इसने हमें बोला कि कोई स्ट्रीट मर्चेंट है, उसको हमें दुकाने जाना है, मतलब कि इसने एक कार भी हमारे लिए अरेंज कर रखी है और हमें एक स्मार्टफोन भी है हमारे पास। ये बहुत ही बढ़िया चीज होने वाली है क्योंकि मेरे को लगता है कि हम इससे बहुत कुछ कर पाएंगे। ये रही वो वाली कार जो कि इसने हमारे लिए अरेंज करी थी। तो चलते हैं इसको लेकर उस वाले बंदे को टपका डालते हैं। भाई इस वाली गेम का मैप बहुत ही बड़ा है, मतलब कि मैंने सोचा था उससे तो कहीं ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम करते रहते हैं और कुछ इसके जैसे आवारा लोग भी आ जाते हैं। अच्छा, इसी को ही मारना था हमें, तो चलो इसको तो मैंने मार दिया। चलते हैं कास्टिला के पास। हाँ, वही बिजनेस वाली जगह पर जो कि पास में ही और हम यहाँ पर पहुंच भी चुके हैं। तो भाई हमें हमारे काम की पेमेंट मिल चुकी है, पूरे $15,000। मतलब कि इस वाली गेम में पैसा कमाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी आ चुके हैं अपने पास बहुत सारे पैसे, तो हम एक अपार्टमेंट में घर तो जरूर से ले सकते हैं। तो चलते हैं वो घर देखने के लिए कि हम इस टिंकू बदमाश के लिए खरीदने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं ये वाली कार उठा कर। एक सेकंड, वो क्या वेगनार जा रही है या मिनी डिफेंडर है? रुको, पास में जाके देखना होगा। हमने इस वाली कार को उठा लिया, इसकी मालकिन को सिर्फ एक ही गोली मारी और वो करके भाग चुकी है। हमने उठा लिया अपनी डिफेंडर कम वेगनार। ये क्या बात करता है यार। तो हम आ चुके हैं उस वाले अपार्टमेंट पर, अपनी कार को यहाँ पर पार्क करते हैं। और ये क्या AK-47 पड़ी हुई है, मतलब कि ये एक अच्छी बात है कि हमें गन्स खरीदनी नहीं होगी, सारी गन्स हमको ऐसे ही मिल जा रही है। तो ये है हमारा रूम की $10,000 का है, जिसमें दो कार की पार्किंग भी मिलेगी, लिविंग एरिया भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी कुछ ज्यादा चोटले नहीं करेंगे, इसको बाय कर लेते हैं जल्दी से। चलते हैं इसके अंदर। भाई ये रहा टिंकू बदमाश का नया घर जो कि हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमें एक नया मिशन मिल चुका है, तो चलते हैं मिशन पर। तो भाई मैं वापस बाहर तो आ चुका हूँ, लेकिन ये वाली सिटी रात में अच्छी लग रही है अभी नाइट के टाइम पर। लेकिन अभी हमें चाहिए होगी कोई कार जो कि पार्किंग में शायद से हमें मिल जाएगी, लेकिन रात को पार्किंग में एक भी कार ही नहीं है। मतलब कि क्या रात को काम पे जाते हैं क्या ये लोग? अभी हमें एक कार ढूंढनी होगी मिशन पर जाने के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं बिजनेस सेंटर पर, जाते हैं और अंदर वो मोटे से मतलब कि कास्टिला से बात करके देखते हैं कि आखिरकार क्या मिशन मिलने वाला है हमको। भाई एक बुरी बात है हमारे लिए क्योंकि हमने GTA सीरीज में बहुत ही गंदे काम कर रखे हैं और जहाँ पर कास्टिला भी हमें गंदे कामों में डाल रहा है, मतलब कि हमें ड्रग्स की डिलीवरी करनी है। मुझे तो लगा था कि हम जहाँ पर आके कोई अच्छी सी जॉब वगैरह करेंगे, लेकिन अभी हमें मिशन करना ही होगा। तो चलते हैं इसकी दी हुई लोकेशन पर। तो अभी हम आ चुके हैं उसकी दी हुई लोकेशन पर, हम पहुंचने वाले हैं और जहाँ पर एक वैन खड़ी हुई है जिससे कि हमें डिलीवरी करनी है, मतलब कि ये वाली वैन को लेके जाना है, ड्रग्स की डिलीवरी करनी है। जल्दी से बैठते हैं इसके अंदर और निकल लेते हैं। लेकिन ये क्या, पीछे से एकदम से पुलिस वाले कहां पर से आ गए? ये भाई एकदम स्कैम होने वाला था, ये तो अच्छा हुआ पीछे की साइड थे वो लोग। अभी हम चलते हैं और इसकी डिलीवरी करके आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पुलिस से पीछा छुड़ाना होगा, मतलब कि ये एकदम ही GTA वाला काम होने वाला है। तो भाई थोड़ी देर में पुलिस ने तो हमारा पीछा छोड़ दिया है, हम इसकी डिलीवरी वाली लोकेशन पर भी पहुंच चुके हैं। जल्दी से इस वाले वैन को पार्क करते हैं और चलते हैं कास्टिला के पास। अभी आ चुका हूं मैं कास्टिला के पास और इसने हमें पेमेंट देने से पहले एक और काम दिया है जो कि हमें करने जाना होगा। पता नहीं कोई दो बंदों को मार के हमें कार छीननी है उसके पास से। चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। सामने दिख चुके हैं मेरे को वो दोनों बंदे, उनको मैंने कार से ही उड़ा दिया है। लेकिन उसके पास में खड़ी हुई है दो चैलेंजर जैसी कार, मतलब कि एक मसल कार खड़ी हुई है जो कि हमें इस वाली गेम में देखने को मिल रही है। मतलब कि ये गेम नेक्स्ट लेवल गेम है। तो आज के इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वाली गेम कैसी लगी और ये कमेंट में जरूर से बताना, और इसके और एपिसोड चाहिए या नहीं ये भी बता देना। गेम का नाम आपको मिलेगा कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।